गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप लोगों का यूपीएससी 101 पे। आई अभिषेक एज योर एडुकेटर, मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर स्वागत करता हूं आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर की दूसरी क्लास में, प्रिसाइसली स्पीकिंग पहली क्लास में, बिकॉज जो पहली क्लास थी वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है, दैट वॉज सॉर्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लास। सो गाइस, बहुत जल्दी जल्दी एकदम गोली की रफ्तार से आप लोग पहुँचने का काम कीजिए पहले, सबसे पहले तो, और उसके बाद हम कहानी को अपने आगे बढ़ाते हैं। यस, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। आवाज़ मैं चेक करता हूँ, फिर कहानी को अपने आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज वी हैव ऑन लाइक दिस स्क्रीन, दिस इज आर्ट एंड कल्चर सेकेंड पार्ट। तो एक बार शेयर करो फटाफट इसे। या एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन फ्रॉम माई साइड गाइज। सो स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म गुड इवनिंग। एक बार फिर से मुलाकात आप लोगों से हो रही है, एंड दिस इज, जैसा कि आप लोगों को पता है, दैट दिस इज आवर आर्ट एंड कल्चर क्लास, एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ इंडियन पेंटिंग से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। मैंने आप लोगों के साथ ये कमिट किया था दैट वी आर गोइंग टू डू लाइक 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द बेसिकली आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज वी हैव, बिफोर यू हैव दिस प्रीलिम्स, आप लोगों का जो 2022 प्रीलिम्स है उसमें कल बेसिकली मैंने सारी ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों के साथ की थी, सारी बातें आप लोगों को बताई थी कि भाई देखो आर्ट एंड कल्चर कितना महत्वपूर्ण है फ्रॉम पीटी अप टू मेंस, और उसके बाद हमारी कहानी, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पेंटिंग्स पे किया था। सो प्रिसाइसली स्पीकिंग, ये बेसिकली गाइस आपकी आर्ट कल्चर की पहली क्लास आप मान सकते हो, ठीक है, बिकॉज उसमें ट्रेंड एनालिसिस करने में बहुत सारा हमारा गया था। सो डोंट टेक इट लाइक कन्फ्यूज कि इंडियन पेंटिंग भी दूसरा पार्ट है तो पहली क्लास में बहुत कुछ, क्योंकि पहली क्लास में बेसिकली हमने आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड एनालिसिस वगैरह बहुत सारा किया था, तो उसमें बहुत सारा टाइम गया था, और थोड़ा सा हमने इंडियन पेंटिंग को शुरू करने की कोशिश की थी। ये मेरा दावा है गाइस कि जस्ट फिनिश दिस आर्ट एंड कल्चर क्लासेस, ठीक है, आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर अभी तक अगर एक तकलीफ का सबब बना हुआ है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है, टू टेक आउट योर दिस पेन ऑल्सो। एक अलग कॉपी आर्ट एंड कल्चर की आप लोगों की बननी चाहिए, अलग कॉपी आर्ट एंड कल्चर की हो जिसपे प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए आप लोग इस सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे मेरे साथ। दैट्स द वे स्टडी शुड बी डन, इस तरीके से बेसिकली पढ़ाई होनी चाहिए आप लोगों की, एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ। तो सबसे पहले तो फटाफट पहुंचो और जरा जल्दी जल्दी शेयर कर दिया कीजिए इसे चारों तरफ, और ये बर्डन थोड़ा सा, एक छोटा सा अपने कंधों पे भी लिया कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये चीजें यूजफुल है तो थोड़ा सा इसे अपनी तरफ से भी प्रमोट करने की अपने खुफिया विभागों में कोशिश कीजिएगा। दैट इज लाइक अ काइंड ऑफ द रिवार्ड फॉर मी, वो थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी बेसिकली उस तरीके से आप एप्ली बंद करने का भी एक रीजन था। मैंने बार बार आप लोगों को कहा था कि लाइक अगर आउटपुट जनरेट नहीं होता है ना तो डिमोटिवेट नहीं होता है, मैं एडुकेटर मतलब टेलिंग यू पर्सनली, मतलब मोटिवेट नहीं हो पाता है, और वो मोटिवेशन लैक होता है ना तो फिर करने का मन नहीं करता, इज समथिंग लाइक दैट। आप लोग बात बात में बेसिकली कहते रहते हो सर मोटिवेशन मोटिवेशन, तो यार आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, आई ऑल्सो नीड्स अ मोटिवेशन, ठीक है। सो ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, आप वीडियो को लाइक कर दें, उस पर कुछ लिख दें, ठीक है, कमेंट कर दें सर ऐसा, सर वैसा, सर ऐसा कराइए, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, शेयर कर दिया कीजिए इसे अपनी तरफ से, ठीक है, सारे ग्रुप्स वगैरह में। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये बात आप उस दिन समझेंगे जिस दिन यहाँ पे आप उपस्थित होंगे। तो चलो कॉपी निकाल के सामने रखो, इंडियन पेंटिंग पार्ट टू शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बेसिकली कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ से हमने कहानी अपनी शुरू की थी, ठीक है, यहाँ से। उससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है जो मेरे से टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है अभी तक, ठीक है, तो दे कैन स्टे कनेक्टेड टू मी, वो मेरे से जुड़ सकते हैं ऑन दिस टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडी विद अभिषेक _ अनअकैडमी, और यहां से हम अपनी कहानी को आगे लेके बढ़ सकते हैं। आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे दुख, अपने दुख, दर्द, सुख, खुशियां जो भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियो अपडेट्स आपको यहां से मिलती रहेंगी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है, चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो, चाहे वो प्लस क्लासेस हो, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, और आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड दिस इज माय एडुकेटर्स कोड जिसे आप यूज करते हैं, ये आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए, बट अगर आप यूज करते हैं तो नियम ध्यान रखिए दैट लाइक आप एडुकेटर का कोड यूज करते हैं तो आप उससे पर्सनली जुड़ जाते हैं, मतलब आप मेरी मेंटरिंग चाहते हैं तो यू विल हैव टू यूज माय कोड, ठीक है, फॉर एनी फॉर्म ऑफ द सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा भी टेलीग्राम चैनल के ये भी फायदे हैं दैट व्हेनेवर आई विल शेड्यूल माय स्पेशल क्लासेस वगैरह, इसकी नोटिफिकेशन, मतलब फ्री रिसोर्सेज की भी नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलती रहती है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडी विद अभिषेक _ अनअकैडमी। तो आप लोगों की आज्ञा से अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए। मैं जैसा कि कह रहा हूं कि ये मेरी आगे हो, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचो। हरेश बाबू जरा बताइए सबको, सुष्मिता, सूजल, हेमंत, शिवानी, सुषमा, एकता,
ऑल राइट, आरोही वैदेही रोशनी, जरा शेयर कर दो इसे फटाफट चारों तरफ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, शेयर कर दिया करो इसे, हेमंत साहब शेयर करो फटाफट, ठीक है, देन यू हैव दिस सना, कैसी हो सना, देन प्रिया कुमार, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, सुजल रवि, बहुत दिनों बाद सुजल बाबू आपके दर्शन हुए, बड़ी खुशी हुई, चलिए आपको कभी तो लगा, अब तो लगा कि किसी के लिए कुछ काम की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं उपस्थित होने का आपका क्या मतलब है, देट आपको लग रहा है कि वी आई एम डूइंग समथिंग बैड, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना डिमोटिवेशन होता है, एनीवेज, ठीक है, प्रेजेंट साक्षी अयान निशी सुमन, थोड़ा सा फटाफट शेयर करो गाइस, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मतलब अगर टेक्निकली आप देखो तो ये दूसरी क्लास यहाँ पे जरूर लिखी हुई है इंडियन पेंटिंग की, एंड यू हैव दिस लाइक इंडियन पेंटिंग वाला, ये इस पर एक सूरत है, ठीक है, जो ए आर रहमान साहब की है, तो इंडियन सॉरी ए आर रहमान कह रहा हूँ, इंडियन पेंटिंग, पेंटिंग में किसका नाम ले, हाँ लियोनार्डो डी विंची, ठीक है, तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि लियोनार्डो डा विंची बेसिकली कब किन परिस्थितियों में उसने मोनालिसा की तस्वीर बनाई होगी, मतलब वो इटली का रेनासा काल समझ रहे हो, ये सब कुछ नहीं होने वाला, राइट, तो प्रिसाइसली स्पीकिंग ये पार्ट टू जरूर है, लेकिन बेसिकली आप इसे अपनी पहली क्लास ही मान के चले, बिकॉज पहले क्लास में बहुत सारा ट्रेंड एनालिसिस ही होता रह गया था, तो यहाँ पे कोई लियोनार्डो डा विंची नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ हम ऐसी एक पढ़ाई जरूर करेंगे जिसके आधार पर बेसिकली आप एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये एक पर्पस आपका जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को यही बताया था कि स्टोन एज की कुछ पेंटिंग्स की बातें मैंने बताई थी, उसके कुछ फीचर्स बताए थे, मैंने आपको ये बताया था कि पेंटिंग्स आप जब भी पढ़ना, मतलब जो इंडर आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग्स हुआ, स्कल्पचर हुआ, ठीक है, देन यू हैव दिस बेसिकली म्यूजिक फॉर्म्स हुए, मतलब दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी, लाइक इफ सपोज दिस इज पेंटिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो बात कि बेसिकली इससे जुड़े हुए जो साइट्स हैं वो आपके देश में क्या है, और उस पेंटिंग की कोई खासा फीचर होगी तो वो फीचर क्या है, ठीक है, ये बेसिकली दो बातें मैंने कहा था कि मतलब ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये दो बातें, राइट, और इसी कंटेक्स्ट में हमने स्टोन एज की पेंटिंग्स के बारे में मैंने कुछ प्रिसाइज फीचर्स आपको बताए थे, दैट जैसे जैसे पेंटिंग बेसिकली पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक में गई, ठीक है, पेंटिंग में फिनिशिंग बढ़ता गया, पेंटिंग्स छोटी होती चली गई, ठीक है, ऑक्र कलर्ड की बेसिक पेंटिंग्स बेसिकली देखने को मिली थी, गेरुआ रंग उसमें सबसे प्रधान मिला था, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, वो मैंने बेसिकली आप लोग को बताई थी, मतलब क्या कहते हैं आपको स्टोन एज पेंटिंग्स के बारे में जो मैंने बातें तुम्हें बताई थी, ठीक है, उसके बाद अब देखो जो बेसिकली ये फीचर, ये थोड़ी सी बात हमने कल इंट्रोडक्टरी कल क्लास में की थी, इनके फीचर्स के बारे में हमने देखा था, ठीक है, उसके बाद पेंटिंग्स को स्टोन एज के साइट्स मैंने बेसिकली आप लोगों को कुछ बता दिए थे कि भाई देखो कुछ महत्वपूर्ण स्टोन एज साइट्स की हम बात करें तो क्या क्या होती हैं, ठीक है, जैसे उसमें भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, देन दिस बेसिकली कोलडिहुआ ये जो यूपी वाला क्षेत्र है, देन दिस कोलकाता वाला क्षेत्र, हुगली नदी वाला क्षेत्र, ठीक है, बिहार का चिरांद वाला क्षेत्र, नर्मदा गोदावरी का क्षेत्र, देन यू हैव दिस इमाम गांव बेसिकली दैट योर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला क्षेत्र, हुसंगी कर्नाटक वाला क्षेत्र, हल्लूर बेसिकली कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, ब्रह्मगिरी यू हैव दिस तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु वाला क्षेत्र, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, पाकिस्तान में भी एक मेहरगढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम वाली बातें, ठीक है, मतलब दे वेयर बेसिकली द स्टोन एज साइट्स, ठीक है, ऑफ देयर देयर द पेंटिंग साइट्स बेसिकली, तो ये बातें मैंने तुम लोगों को कल कुछ बताई थी, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि केव्स के अंदर, मतलब बेसिकली ये वो साइट्स हैं, ठीक है, जहां पे कुछ केव पेंटिंग्स उनकी देखने को मिली थी, और वो बेसिकली मैंने तुम्हें उस समय ये भी बताया था कि हाँ वो जो, अब देखो नॉर्मल सी बात है, पेंटिंग इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन ही है बेसिकली आपका, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार संविधान में 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत देती है, तो जो बेसिकली इंसान जिस क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होता है उसकी अभिव्यक्ति जो होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब दे आर नॉट स्टोन एज साइट्स, दे आर स्टोन एज साइट्स रिलेटेड टू द पेंटिंग्स, तो प्रिसाइसली नाम बेसिकली कॉमन ही होते हैं, नाम बेसिकली कॉमन ही होते हैं, दैट यू डोंट नीड टू पैनिक, ठीक है, तो पेंटिंग बेसिकली जो होता है वो बेसिकली एक्सप्रेशन है आपके संस्कृति की अभिव्यक्ति है, तो जिस माहौल में आप जी रहे होते हैं उसी से संबंधित पेंटिंग्स भी होती हैं, तो वहीं हमने देखा था कि जैसे पैलियोलिथिक में हम थे, ठीक है, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, शिकार करने वाली तस्वीरें, उसके बाद मीजोलिथिक में आए थे तो जानवर के ऊपर चढ़ के शिकार करने वाली तस्वीरें, बो एंड एरो केम इन द पिक्चर, केव्स पे, गुफाओं पे, उसके बाद नियोलिथिक की तरफ हम बढ़े थे, ठीक है,
तो बेसिकली जो एनिमल डोमेस्टिकेशन वगैरह की तस्वीरें बेसिकली दिखने लगी थी, बड़े बड़े पशुओं की तस्वीरें, ये सब कुछ फीचर्स थे जो स्टोन एज साइट्स के मैंने तुम्हें बताए थे। उसके बाद मैंने ये बताया था दैट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो बेसिकली दो शब्द आते हैं, आइदर इट इज मुराल और इट इज मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, मुराल के बारे में यही बात हुई थी कि भाई दे आर बेसिकली दीवारों पे की जाने वाली पेंटिंग। अब वो चाहे गुफा की दीवारों पे हो, चाहे वो बेसिकली आपके मंदिर की दीवारों पे हो, दे आर बेसिकली द मुराल्स। और मिनिएचर पेंटिंग्स जो होता है वो बेसिकली ऐसी पेंटिंग होती है जो स्मॉल होती है लेकिन डिटेल्ड होती है और दीवारों पे नहीं। ठीक है, मतलब किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ, कैनवस, इन सब पे किया जा सकता है। मैंने फिर आप लोगों को वो तस्वीर भी दिखाई थी कि अगर आप देखोगे तो इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ द मुराल पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मतलब मधुबनी पेंटिंग का एक नमूना है ये। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ मिनिएचर पेंटिंग जो कपड़ों पे भी किया जाता है। ठीक है, पुराने समय में अलग अलग समयों पे इसके लिए बहुत सारी चीजें उपयोग में लाई गई थी, सब में पढ़ेंगे। ठीक है, बट दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मिनिएचर पेंटिंग जिसके अलग अलग स्कूल्स डेवलप हुए थे। तो ये सब बातें हमने कल देखी थी। मुराल पेंटिंग्स के भी मैंने साइट आप लोग को दिखाए थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बेसिकली जो अजंता केव्स थे, एलोरा केव्स थे, भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश वाले थे, ठीक है, बादामी केव्स कर्नाटक वाले थे, बाघ केव्स मध्य प्रदेश की गुफाएं, देन साउथ में भी आप जाओगे इवन दिस शंकराचार्य टेम्पल, तंजावुर दैट इज तंजौर का टेम्पल, आंध्र प्रदेश का एक लेपाक्षी बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल होता है जो मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, ओरछा मध्य प्रदेश में एक और साइट, इवन अमृतसर इन गोल्डन टेम्पल, ठीक है, इज नथिंग, इवन ताजमहल में जाओगे ना तो वो नक्काशियां की होती है दीवारों पे, बट दैट इज नॉट बेसिकली द काइंड ऑफ द बेसिकली इज नॉट एक्चुअली केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द मुराल्स। मुराल मतलब बहुत प्रिसाइसली आपको दिखे दीवारों पे, ठीक है, ये नहीं कि कहीं पे बस लहरों की तरह थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है, सो ये सब एग्जाम्पल थे ना। उसी मैं क्यों कहते रहता हूं कि जब आप पढ़ोगे तो दो बातें इनके बारे में जरूर याद रखना, एक तो इनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण साइट और दूसरा इनकी कोई विशेष विशेषता हो। ठीक है, कोई विशेषता हो तो ये दो बातें क्यों मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है, जरा देखना यहां पे, ये 2013 का एक क्वेश्चन है, 2013 का एक क्वेश्चन है। मैं अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए, कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि अरे सर आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है, लग भी सकता है, तुम्हारे फितूरपनी को देख के ऐसा लगता भी है, ठीक है, तो कभी आना कभी नहीं आना, सर आज ठंड हो गई, सर आज नेट खराब हो गया, सर आज पेट दर्द हो रहा है, सर आज कान दर्द हो रहा है, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, एकदम मतलब एकदम गुलाबी बिस्तरों पे पड़ा हुआ जीवन, ठीक है, जब तक इससे बाबू बाहर नहीं निकलोगे ना, मुन्ने और मुन्नियों मेरे देश के, ठीक है, जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे, क्या कहते हैं इसे, गुलाब के बिस्तर को पता क्या कहते हैं, सिंबॉलिकली मैंने बोला थोड़ा ताना मारते हुए, ठीक है, गुलाब का बिस्तर मतलब वो कंफर्ट जोन जिसमें आप जी रहे हो, जहां पे हर चीज आपकी सुविधा से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा कोई जीवन में वक्त ही नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक जीवन में कुछ नया नहीं कर पाओगे। यही बात मैं इस तरीके से कहता था पहले, ठीक है, कि मतलब अगर जीवन में हमेशा सुबह भी गुलाबी रहे, शामें भी गुलाबी रहे, हमेशा हंसते हंसते ही जीवन बीते, चेहरे पे हमेशा वो मुस्कान रहे, कभी कोई टेंशन ही ना हो, अच्छी बात है, आई विश तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही रहे, मेरी तो नहीं रह सकती है, नहीं रही ना कभी रहेगी, और ना मैं चाहता हूँ कि ऐसी कभी जिंदगी रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसे जीवन का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है गाइस, कि जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, बस चल रहा है। ठीक है, क्योंकि नया जब भी कुछ करने जाओगे तो तकलीफें होंगी, टेंशंस होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2013 का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों मैं उन दो बातों पे फोकस कर रहा था। मेरी पढ़ाई हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होती है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस थिंग, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड, अदरवाइज मैं यहाँ पे विद्वान बनने के लिए ना तो अपना समय जाया कर रहा हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग विद्वान बनने के लिए मेरे साथ जुड़ो। जीवन रहा, ठीक है, 100 साल आपकी उम्र रहे, मैं भी आपके साथ रहूं तो विद्वान भी बनेंगे, लेकिन अभी एग्जाम क्लियर करेंगे। लाइक दिस सी, 2013 का क्वेश्चन आपके सामने, जवाब आप ही लोग देंगे। पीछे ही मैप दिखाया था, उसी पे वो क्वेश्चन था, वो मैप मैंने तुम्हें कल ही दिखाया था, बहुत ज्यादा दो दशक पहले का क्वेश्चन भी नहीं है, 2013 का एक क्वेश्चन है जो कल की 5 मिनट की क्लास से आप बना सकते थे, लास्ट वाली, कि भाई इनमें से जो फॉलोइंग प्लेसेस हैं उनको आप कंसिडर कीजिए, अजंता केव्स, यू हैव द अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, अजंता केव एंड दिस सांची स्तूप। आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ दिस इज नोन फॉर द, सॉरी ये लेपाक्षी पेंटिंग लिखा हुआ है, विच वन ऑफ दिस इज नोन एज बेसिकली मुराल पेंटिंग, विच वन ऑफ दिस इज नोन एज मुराल पेंटिंग, इनमें से कौन सा मुराल पेंटिंग के लिए जाना जाता है,
only one, that is Ajanta Cave, 1 and 2, Ajanta and Lepakshi, all, Sanchi Stoop bhi, none, koi nahi. Jaldi se comment section mein iska answer jawab de dijiye. Kal ki 10 minute ki class se solve ho sakta hai. Aaj bhi basically maine tumhe piche ka map dikha hi diya hai. B, 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 अच्छा सब आ गया, A, C, B, कोई D भी बता दो प्लीज. A, C, B, ये तीन ऑप्शंस दे दिए गए, कोई D बोल दो प्लीज, बोल दो, मैं I insist कोई D बोल दो प्लीज. A, C, B आ चुका है, B, 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 अब B की ना, अब ये जो B का है ना, B का, इसका इसका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, B, 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 कोई तो D बोल दो. मेरा वीडियो पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं वैद्य ही, वो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है. बी 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 डी बोल दिया, यस निशा बहुत बढ़िया बात है, महिमा तुमने भी डी बोल दिया, चलो सुमन मैं कर रहा था, यस डी 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 आ गया. धन्य हो भारत की युवक और युवतियों, डी भी ऑप्शन आ गया, पता नहीं तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए बोला है या क्या बोला है, बट ए बी सी शुरू में बहुत दिखा, बाद में बी की भरमार हो गई, ठीक है, और उसके बाद डी भी बोल ही दिया गया. कल ही दिखाया था ना ये मैप, कल ही दिखाया था, और कल क्वेश्चन में नहीं दिखाया था, और बोला था कि जब भी पेंटिंग्स वगैरह पढ़ना ना, साइट्स उनके दिमाग में रखना और फीचर्स उनके दिमाग में रखना, ठीक है. अभी देख लो यहाँ पे अजंता केव, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, चीटिंग कर रहे हो, दिखा तो है नहीं, आपने खुद ही बोल दिया, देख लो, ठीक है. अजंता केव, एलोरा केव, बादामी बाग, तंजावुर मतलब तंजौर, लेपाक्षी, ठीक है, हो गया. इसमें सांची स्तूप कहीं भी नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली नथिंग बट, मैंने बताया था आप लोगों को, ये मुराल पेंटिंग की साइट्स हैं, ठीक है. तो अब बेसिकली क्या है, नॉर्मल सी बात है, द ओनली आंसर कैन बी व्हाट, द ओनली आंसर कैन बी नथिंग बट द बी. लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम लोगों ने सारा आंसर बता दिया, तो बड़ी अच्छी बात है, ए सी बी डी सब कुछ बोल दिया, बट द आंसर विल बी ओनली, ठीक है, अजंता केव एंड दिस लेपाक्षी, बिकॉज सांची स्तूप तो बेसिकली वो बौद्धिक स्तूप हुआ करता था ना, स्तूपाज जोसोक ने बनवाए 50,000 से भी ऊपर, ठीक है, वो बेसिकली पेंटिंग के लिए थोड़ी ना जाना जाता था. हर स्तूप के बारे में ये कहा जाता था कि वहां पे किसी न किसी बुद्धिस्ट मॉन्क का कोई शारीरिक अवशेष प्रिजर्व करके रखा गया है, या फिर धम्म की जो घोषणाएं होती थी वो स्तूप पे इनग्रेव्ड होती थी, लिखी होती थी. इज नॉट नोन फॉर द पेंटिंग सांची स्तूप, इट एक्चुअली दोस बुद्धिस्ट स्तूप जो अशोक ने क्रिएट करवाया था, ठीक है. सो दैट इज द थिंग, द आंसर कैन बी ओनली बी एंड टू, वन एंड टू, दैट इज बी. तो ये बात देख ली आप लोगों ने कि भाई साइट के बारे में और बेसिकली फीचर्स के बारे में मैंने क्यों बोला था. देखो क्या पढ़ना है ये जरूरी है, बिना मतलब के नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया रामायण जो इतना मोटा है ना, लेके बैठ जाओगे, आज तक बैठे हो कुछ समझ में नहीं आया है, एकदम गारंटी है मेरी आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा, अनलेस एक बार आप सही रास्ते पे ना आ गए, और यही मेरी कोशिश रहती है, एक बार इस सेगमेंट को प्रॉपरली मेरे साथ फिनिश करो, जितना भी हम फिनिश कर पाते हैं बिफोर गुरुकुल 3, ठीक है, डेफिनेटली एक नया रास्ता आपको, एक नई रोशनी दिखेगी, दैट्स माय वर्ड टू यू, ठीक है. अच्छा आगे बढ़िए, जब पेंटिंग्स की बात करते हैं गाइस, तो ये जो एलिमेंट्स है मतलब 6 अंग, इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आप लोगों को आज, अगर टाइम मिला तो आज नहीं तो कल. 6 principles ऑफ पेंटिंग, प्रिंसिपल्स कहते हैं, या फिर इसे नोट्स बनता रहे, रफ एंड नोट्स बनता रहे, ठीक है, लिम्स नोट्स बनता रहे, या बाद में अगर नहीं बना पाते हो तो अब दूसरी क्लास है, तो अब रफ्तार तेज क्लास की बढ़ेगी, ठीक है. सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट पहली क्लास में हो चुका है, सारा ट्रेंड व्रेंड सब मैं दिखा चुका हूं, अब क्लास की रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है. तो नोट्स या तो क्लास के साथ बने या क्लास के बाद बने, इसकी कोई पीडीएफ नहीं दे रहा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है. तो लिम्स वगैरह मतलब पेंटिंग चित्रकला की बेसिकली 6 तत्वों को हम जानते हैं, और ये हम नहीं जानते, या फिर ये क्या कहते हैं एमएफ हुसैन साहब ने, या बेसिकली लियोनार्डो द विंची ने, ये सब नहीं दिया, ये सब बेसिकली कुछ एंशियंट लिटरेरी फिगर्स ने ये प्रोपाउंड की हुई उनकी थ्योरीज हैं. जैसे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द 6 principles ऑफ पेंटिंग, वी टॉक अबाउट द वात्सायन, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, या नाम सुन के बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो आप लोग हो ही. वात्स्यायन ये जाने जाते हैं बेसिकली एक बड़े नोबल लिटरेचर के लिए, दैट इज कॉल्ड कामा सूत्रा, ठीक है. कामा सूत्रा नाम ऐसा है कि नाम सुनते ही बेसिकली 10 में से 8 लोग मुस्कुराएंगे, अच्छा अबे मतलब कहना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ग्रो अप कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ग्रो अप जल्दी से ग्रो अप करो अगर डीएमएसपी बनना है तो,
ठीक है, कामा सूत्र सुन के ना सिर्फ नॉनसेंसिकल ख्याल ही दिमाग में नहीं आने चाहिए, ठीक है, वो आपके ख्याल नॉनसेंसिकल है, वात्स्यायन नॉनसेंसिकल नहीं था। वात्स्यायन नॉनसेंसिकल होता तो इतिहास में बेसिकली उसे जगह नहीं दी गई होती, और हम अगर इतने विद्वान होंगे ना तो हमें कितनी इतिहास में जगह मिलेगी तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। सो ग्रो अप, ये मैं कह रहा हूँ, देखो हंसी मतलब खिलखिला रही होगी, खिलखिलाहट चेहरे पे देखिए, जरा देखना चाहता हूँ कौन कौन हंस रहा है, देख लेता हूँ मैं एक बार कौन कौन हंस रहा है। कामा सूत्रा और वात्स्यायन का नाम सुन के ना कितने लोग हैं जो हंस रहे हैं, वॉन्ट टू सी द फोटो। लग रहा है नेहा त्रिपाठी से नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है। क्या निषाद, यस सर, फिलोसॉफिकल बुक अप्रोक्सिमेट, डेफिनेटली ग्रो अप गाइस, ठीक है। अगर ये बातें मैं आप लोगों से नहीं कर सकता हूँ तो मैं आप लोगों को सिविल सेवा अधिकारी बनाने में कहाँ से मदद कर सकता हूँ, इन बातों में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दे आर सम ग्रेट मोमेंट्स एंड ग्रेट टाइम्स एंड ग्रेट बिग नेम्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। जैसे वात्स्यायन के बारे में अगर बात की जाती है ना गाइस, तो ही इज नोन गुप्त काल बेसिकली, मतलब अगर कह लो तो तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी, उस समय के एक महान लेखक माने जाते हैं जिसने बेसिकली कामा सूत्रा जैसी किताब कंपाइल की थी, ठीक है, ऑन द सेक्स, ठीक है, ऑन द सेक्सुअल इमोशंस, ऐसी एक किताबें कंपाइल हुई थी, ठीक है, इनके द्वारा। इसी में, इस पुस्तक में ही बेसिकली, इट वॉज नॉट मियरली अबाउट दॉट, ठीक है, इसमें बेसिकली इट वॉज लाइक एन इमेजिनरी बुक ऑन द डिफरेंट इमोशंस ऑफ द मेल एंड द फीमेल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, डिफरेंट इमोशंस की बातें की गई थी। तो इन्हीं इमोशंस के दौरान बेसिकली, ठीक है, इसी पुस्तक में चित्रकला के छह लिम्ब्स की, छह तत्वों की बात की गई है, ठीक है, छह तत्वों की बात की गई है। सिक्स लिम्ब्स ऑफ पेंटिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस कामा सूत्र ऑफ द वात्स्यायन। हु वाज ही? ही वाज अ फोर्थ सेंचुरी एडी, चौथी शताब्दी ईस्वी, अ ग्रेट इंडियन लिटररी फिगर हु एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल। इतिहास में आप लोगों ने यह बात मेरे साथ पढ़ी होगी। देखो यहां पे ना इतिहास का बहुत गहरा वर्णन मेरे से मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि अगर वो मैं करने लगूंगा ना तो फिर आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हॉचपॉच होके रह जाएगा। सो नए लोग, वो भी जो लोग हैं जिन्होंने बिना हिस्ट्री पढ़े डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, उनको अगर तकलीफ होगी तो मुझे ब्लेम मत करना। आप लोग कोशिश करना कि मेरे जो हिस्ट्री के पहले के एंशियंट के लेक्चर्स हैं वो जरूर आप लोग पैरेलल में देखते रहो, और जिन लोगों ने देखा है यहां से लेकर प्लस तक, उन लोगों को तो कोई तकलीफ होनी नहीं है, ठीक है। सो वी विल कीप इट लाइक एन एब्सोल्युटली आर्ट एंड कल्चर क्लास, जहां भी हिस्ट्री के इलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा, बट नॉट मच, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो वात्स्यायन के कामा सूत्रा में पेंटिंग्स के, चित्रकारी के छह अंगों की बात की गई है, सिक्स बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द पेंटिंग्स। अब इस किताब का नाम मैं कैसे नहीं लेता, समझ में आ रही है बात? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि चित्रकारी के छह तत्वों का जिक्र किस भारतीय साहित्य में किया गया है, तो आपको लिख के आना पड़ेगा वात्स्यायन का कामा सूत्र। अब बेसिकली वो है क्या, पहले ये देखिए, ठीक है, रूप भेद क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कल क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, 2000 पता नहीं एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं याद आ रहा, दिखाऊंगा। रूप भेद का मतलब तो सीधा रूप, रूप मतलब, रूप भेद मतलब क्या, फॉर्म, फॉर्म, समझ में आ रही है बात? मतलब फॉर्म को कहते हैं, रूप को, रूप दैट इज मतलब स्वरूप जो है, ठीक है। दूसरा बेसिकली दिस प्रमाणनी, प्रमाण, प्रमाणनी, प्रमाणानी, प्रमाणानी का मतलब होता है बेसिकली यू हैव दिस प्रोपोर्शन, ठीक है, कि भाई जिस व्यक्ति की चित्र, जिस परिस्थिति का, जिस वस्तु का की चित्रकारी तुम कर रहे हो, ठीक है, जिस वस्तु की चित्रकारी तुम कर रहे हो, वन सेकंड गाइस, जिस वस्तु की आप चित्रकारी कर रहे हैं, ठीक है, उसका कितना अनुपात आपकी चित्रकला में आता है, दैट इज कॉल्ड प्रमाणानी। बहुत ज्यादा इसके अंदर मत जाना। सो दिस इज स्वरूप, दैट इज फॉर्म, दैट इज रूप भेद। प्रमाणानी का मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का आप चित्रकारी को, चित्रकला कैनवस पे आप लेके आ रहे हैं, उसका अनुपात कितना है, मतलब वो ऑब्जेक्ट उसका अनुपात आप कितने अपनी कैनवस पे लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रमाणानी। तीसरा इज बेसिकली भाव, भाव का मतलब एक्सप्रेशन। जैसे पता नहीं कि भाई मोनालिसा की उस पेंटिंग में बेसिकली क्या क्या लोग देखते रहते हैं, कोई कहता है मुस्कुरा रहा है, कोई कहता है रो रहा है, कोई कहता है उदास है, कोई कहता है अंदर से खुश है, मतलब वो इमोशंस, दैट इज कॉल्ड भाव। तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट चित्रकला का। चौथा इज लावण्य, लावण्य मतलब सुंदरता, लावण्य कहते हैं बेसिकली यौवन को कहते हैं, बेसिकली सुंदरता, ग्रेसफुलनेस आपकी चित्रकारी का, चित्रकारी का बेसिकली वो एक कॉमन
इंटीग्रल हिस्सा होता है, दैट इज लावण्य, दैट इज ग्रेसफुलनेस. उसके बाद बेसिकली सदृश्य, सदृश्य इज बेसिकली सिमुलेशन. सदृश्य का मतलब होता है बेसिकली सिमुलेशन, मतलब आप वस्तु जिस वस्तु की चित्रकला कर रहे हो, मान लो आप एक सीनरी बना रहे हो, तो वो सीनरी बेसिकली कितनी लाइव आपके कैनवस पे उसको देख के कितनी मतलब वो एकदम लाइव वाली फीलिंग आती है, कितना आपका आपकी चित्रकला कितनी जीवंत है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दिस सदृश्य. सदृश्य कितना जीवंत है आपकी चित्रकला, दैट इज कॉल्ड सदृश्य. और छठा इज बेसिकली वर्णिका भंग. वर्णिका भंग मतलब वर्ण, आपने कलर का उपयोग कितना बेहतरीन तरीके से किया है अपनी चित्रकारी में. सो ये चित्रकारी के 6 अंग होते हैं, जिसको 6 लिम्ब्स ऑफ बेसिकली पेंटिंग कहते हैं. और इसको याद रखना, एक शब्द जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, इसको कहते हैं षडंग. षडंगा, षड, षडंग, षडंग मतलब षड, जोड़ अंग, अंग मतलब एलिमेंट, षड मतलब 6, ठीक है. चित्रकारी के 6 अंग, चित्रकारी के 6 एलिमेंट. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, रूप भेद, देन यू हैव दिस प्रमाणनी, देन दिस भाव, देन दिस लावण्य, देन दिस सदृश्य, देन दिस बेसिकली वर्णिका भंग. वर्णिका भंग इज बेसिकली कलर्स. फिर से रिपीट करता हूं, एज इट इज यू स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आता है, ठीक है. ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग देख के परेशान होते हो, मूर्छित होते हो कि अरे बाप रे पता नहीं कहां है ये. दिखाऊंगा मैं आप लोग को. सदृश्य, सदृश्य मतलब कितना जीवंत है आपकी चित्रकारी. लावण्य कितना ग्रेसफुल है, उसको देख के कितना अच्छा सा लग रहा है, ठीक है. कोई एक इंसान नहीं होता जिसको देख के बेसिकली आपको बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है देखते रहो. और एक बहुत अच्छा है, सब कुछ उसमें अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, फिर भी देखने का मन नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ग्रेसफुलनेस, ठीक है. दैट इज कॉल्ड ग्रेसफुलनेस, द वे अ पर्टिकुलर पर्सन इज कैरी हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वहां पे फिजिकल ब्यूटी का मतलब नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों का एक बेसिकली मिक्सचर होता है, जो एक दैट एब्स्ट्रैक्ट सेंस ऑफ ब्यूटी क्रिएट करता है. कि भाई सब फिजिकल ब्यूटी नहीं भी है, बट देर आर सर्टेन पर्सन्स जिसको देख के मतलब देखने का मन करता है, लाइक दिस. अब देखो, जैसे विल स्मिथ है. विल स्मिथ क्या है, ठीक है, दैट अ कैरिबियन आइलैंड ब्लैक पर्सन, ठीक है. लेकिन वो विल स्मिथ जो हॉलीवुड में आपने देखे मैन इन ब्लैक वगैरह देखा होगा ना, बैड बॉयज वगैरह, अब देखो कितना ग्रेसफुल लगता है, मतलब हर उसकी एक्टिविटी कितनी ग्रेसफुल लगती है. दैट ग्रेसफुलनेस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, दिस लावण्य. देन यू हैव दिस भाव इज इमोशन, देन दिस प्रमाणी, दिस इज प्रोपोर्शन, एंड दिस इज बेसिकली रूप भेद, दैट इज बेसिकली स्वरूप. ये 6 एलिमेंट है, ये शब्द याद रखना षडंग. इसका वर्णन कहां किसने किया है, 6 तत्व बेसिकली चित्रकला में जरूर होने चाहिए. वात्स्यायन ने कामसूत्र में, हु वॉज ही, अ ग्रेट इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, द कंपोजर ऑफ बेसिकली द बुक कामसूत्र. कब एग्जिस्ट करते थे, 3rd-4th century AD, गुप्त काल के समय की ये बातें हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 6 टर्म्स आपको याद रहने चाहिए. मूविंग अहेड, ठीक है, जब आप मुराल पेंटिंग्स में आते हो, तो मुराल पेंटिंग्स के कुछ एग्जाम्पल लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये देखो अमेजिंग बातें गाइस, मतलब ये केव्स हैं. थोड़ा सा मैं इसे जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो अजंता पेंटिंग को अगर थोड़ा सा मैं मतलब अजंता, ये जूम हो नहीं रहा क्यों. हाँ, ये देखिए, मतलब एक तो अंदर की गुफाओं को आप देखोगे तो जब वॉच दिस कैसा है, किस तरीके की ये पेंटिंग्स, अजंता की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड मुराल पेंटिंग. इसको आप बेसिकली मुराल पेंटिंग कहते हो, ये जो दीवारों पे किया गया, दिस इज कॉल्ड मुराल पेंटिंग्स. ये दीवारों पे जो हुआ, ये जो खंभों पे हुआ है, दिस इज कॉल्ड मुराल पेंटिंग. समझ में आ रही है. तो ये अंदर की गुफाएं, ये देखो कैसी है, मतलब गुफाओं के अंदर. और इस चीज को बेसिकली अगर मैं आप लोग को मतलब बाहर से दिखाऊं कि भाई ये कहानी कैसी चल रहा, देखो दूर से इसे, ठीक है, इस तरीके की पहाड़ के अंदर की गुफाओं में इस तरीके की ये आकृतियों का निर्माण किया गया है. कैन यू इमेजिन, ये कितनी ग्रैंड बात है, ये कितनी अमेजिंग सी चीज है. वॉच दिस, बाहर से वो गुफाएं बेसिकली ऐसी हैं, ठीक है, ऐसी हैं जो दिख रही हैं आपको, कि कुछ बना तो है अंदर, लेकिन उसी की कहानी अगर अंदर देखोगे ना, वॉच दिस, इट इज लाइक दिस, वॉच दिस ग्रैंड थिंग. इसके अंदर बेसिकली, इसके अंदर ऐसा ही कुछ कुछ है जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है. चलिए, तो इस पे हम बेसिकली आते हैं, जरा देखते हैं अजंता के पेंटिंग्स के बारे में.
ठीक है, पुरानी है अजंता और एलोरा की जब हम बात करते हैं ना, तो पुरानी है अजंता केविंग पेंटिंग्स, तो ये मुराल का उदाहरण हो जाता है। कुछ उदाहरण में बेसिकली आपको सामने बता देता हूँ उनके बारे में, कुछ बातें इन पर डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। अजंता एलोरा में सबसे पहली बात, दोनों महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है, ठीक है, और 30 गुफाओं का जिक्र किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू बेसिकली अजंता एंड एलोरा, अजंता ना, तो 30 गुफाओं की बात की जाती है। 30 गुफाओं में बेसिकली पेंटिंग्स हैं, 30 केव्स। अब बैठ के बिना मतलब के रटने मत लगना, इस केव में वो है, उस केव में वो है, वो सब टाइम वेस्टेज है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। लगभग मतलब भारत में कहा जाए तो केव पेंटिंग्स का सबसे पुराना उदाहरण, सबसे पुराना उदाहरण जो ईशापुर में भी एग्जिस्ट करता था, थर्ड सेंचुरी बीसी की कहानी है, मतलब मौर्याओं के समय की। अगर आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है तो चंद्रगुप्त मौर्य, बेसिकली बिंदुसार, अशोक, इन समय की बातें हुई वो। 326 बीसी अलेक्जेंडर का आक्रमण, तब बेसिकली नंद वंश का समापन, मौर्य वंश का आगमन, मतलब थर्ड सेंचुरी बीसी वगैरह की बातें हैं। तब से लेके मतलब टाइम भी बेसिकली इसका मैंने लिखा है, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके फिफ्थ सेंचुरी एडी। मतलब बात जब आप देश में केव पेंटिंग की करते हो तो परहैप्स, अब एक्सकेवेशन तो हमेशा होता रहता है और कुछ कल होके पुराना मिल जाए, दैट इज अदर थिंग, बट द पॉइंट इज अभी तक के हमारे प्रमाणित जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उसमें सबसे पुराना केव पेंटिंग टिक करके आना एक शब्द में अजंता केव पेंटिंग। टाइम बेसिकली मैंने आपको बताया, ठीक है, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर फिफ्थ सेंचुरी एडी तक, ये टाइम बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो मौर्याज का है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो बेसिकली भारत में बहुत प्रकार के आक्रमण होने ही लगते हैं, बुरे अलग अलग प्रकार के। उसके बाद कनिष्क आते हैं, उसके बाद बेसिकली अगर फिफ्थ सेंचुरी एडी तक आओगे तो ये कहानी मौर्य से लेकर और गुप्त काल तक की हुई। बीच में कुषाण वगैरह आएंगे, शाकाज का आक्रमण वगैरह होगा, बाहर से बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन भारत के वंशों के आधार पर देखा जाए तो मौर्य वंश से लेके गुप्त काल तक की ये कहानी हुई। सबसे पुराने केव पेंटिंग्स औरंगाबाद, ठीक है। अच्छा, मुराल्स के लिए जाने जाते हैं, ये तो बताए मैंने आपको बेसिकली ये सब क्या है। मुराल है वॉल्स पे, जो एक दीवारों पे की जाने वाली पेंटिंग, या फिर बेसिकली किसी स्ट्रांग सॉलिड सपोर्ट पे की जाने वाली पेंटिंग, तो मुराल है। लेकिन गाइस यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फ्रेस्को, ठीक है, फ्रेस्को। हो या सब गायब हो गए हो? हाँ एजीएस, आप वहीं रहते हो? हाँ वैदेही वहीं रहती है। मतलब बातचीत आप लोगों में जोर शोरों से चल रहा है, या मैं एग्जिस्ट करता हूं कहीं, या मतलब मेरी बात हो रही, मेरी बातों पे गौर फरमाया जा रहा है, या बस अपनी बातों में आप लोगों का जीवन बीत रहा है? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, नहीं बीच बीच में देख लेता हूं मैं। पलक पलक और ऊपर से वाटरफॉल होता है, और ये पानी कहाँ से आता है आज तक पता नहीं चला। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पलक कहाँ से आता है कैसे पता नहीं चलेगा। अगर पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है तो या तो वहाँ के बर्फों के ग्लेशियर के पिघलने से होता है, नहीं तो वो वोल्केनिक जोन है, डकन प्लेट्यू का रीजन है, वहाँ पे वोल्केनिक लैंड है। वोल्केनिक लैंड में बेसिकली जो जियोथर्मल वाटर, जो एक्टिविटीज की वजह से या इंटरनल अर्थ के रैंडमनेस की वजह से, ठीक है, कहीं कहीं मैग्मा ऊपर तक आता है, पानी के अंडरग्राउंड वाटर को गर्म करके वाटर वेपर को ऊपर तक वेपराइज करता है, जो बाहर जाकर ठंडा होता है, और पहाड़ों के ऊपर से या पहाड़ों के बीच से ही वो पानी निकल सकता है। इसमें कहीं से कोई नहीं जानता, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। इज एक्चुअली नथिंग बट एन वोल्केनिक एक्टिविटी। वहां पे मैग्मा बेसिकली थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, अंडरग्राउंड वाटर को हीट करके वाटर वेपर को ऊपर तक पुश कर सकता है, वो पुश होके अंडरग्राउंड वाटर ऊपर जाके वेपर का, वो वेपर ठंडा होके नीचे पहाड़ों की कोक ऊपर से आ सकता है, ठीक है, इवन विदाउट हैविंग द ग्लेशियर्स। तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत गर्म पानी के कुंड और गर्म पानी के झरने बिहार से लेके और यूपी तक में, बिहार और बिहार से लेकर एमपी तक है। इज नथिंग बट अ वोल्केनिक इवेंट। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहां पे एक शब्द और लिखा हुआ है गाइस, फ्रेस्को। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है? फ्रेस्को पेंटिंग, मुराल तो आप समझ गए, एक शब्द फ्रेस्को। फ्रेस्को पेंटिंग गाइस उसे कहते हैं जो दीवारों पे, मतलब सीमेंट वेट वॉल्स पे जो पेंटिंग की जाती है। जैसे वेट वॉल मतलब दीवार बन रहे, जैसे अपने अपने घर में भी देखोगे जो पीओपी का काम होता है, पीओपी का,
अगर घर बनवाओगे तो पता चलेगा, नहीं तो प्लास्टर होता नहीं। जो घर के अंदर जो सीलिंग पे जनरली छत पे जो ऐसे बनाया, जो पंखे के लिए बना दिया जाता है गोल सा सुंदर, या फिर चौकोर स्क्वायर शेप फिगर जो बनाया जाता है, वो पीओपी का व्हाइट कलर का जो लाइनिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पीओपी का प्लास्टर क्रिएट करते हैं, उससे बनाते हैं, फिर कटिंग करते हैं। तो मतलब वेट गीले दीवारों पे जो बेसिकली कढ़ाई नुमा उस पर जो पेंटिंग की जाती है काट के, मतलब गीले दीवारों पे बेसिकली कटिंग करके, या गीले दीवारों पे बेसिकली ब्रश के थ्रू ही जो पेंटिंग की जाती है, ठीक है, गीले दीवारों पे करोगे तो वो बेसिकली पेंट क्या है, दीवार जब सूखेगा तो उसके साथ सूखेगा, तो वो पेंटिंग और जबरदस्त होती चली जाएगी। सो वेट वॉल पे जो की गई पेंटिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्को पेंटिंग, एक लाइन लिख लेना। सो बेसिकली जो अजंता केव्स में पेंटिंग्स है ना, दैट इज बेसिकली आइदर वो मुराल्स है और वो बेसिकली क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग्स है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अजंता केव्स की पेंटिंग्स जो है थोड़ा बहुत, मतलब बेसिकली अगर आप कह लो, ठीक है, तो बुद्धिस्ट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बुद्धिज्म, एक्सक्लूसिवली मतलब ये पेंटिंग्स बेसिकली बुद्धिज्म से संबंधित ही हैं। बुद्धिज्म में बेसिकली मैंने आप लोग को बताया था जातक स्टोरीज, जातक स्टोरीज बुद्धिस्ट साहित्य में एक साहित्य लिटरेचर ये भी आता है, जातक टेल्स। जातक टेल्स मतलब वो जो बुद्ध के अलग अलग रूपों के बारे में उस पर काल्पनिक कहानियां लिखी गई हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, दे आर बेसिकली हाइपोथेटिकल स्टोरीज ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बुद्धा, दैट इज कॉल्ड जातक स्टोरीज। तो उसी को अलग अलग केव्स में डिपिक्ट किया गया है, प्रिसाइसली अजंता केव इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू द बुद्धिज्म, ठीक है। अच्छा, मुराल प्लस फ्रेस्को है, उसके बाद आ जाइए बाग केव पेंटिंग्स, ये भी बेसिकली बुद्धिस्ट पेंटिंग ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे आप तो एलोरा केव पेंटिंग्स, अब जब एलोरा केव पेंटिंग्स की बात करते हैं ना, तो हाउ कैन यू फॉरगेट दिस इमेज, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस इमेज, दिस इज द रॉक कट टेम्पल ऑफ द एलोरा, एलोरा केव्स, ये गुफा नंबर 16 में है, जैसे मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी है, गुफा नंबर 16 में, ठीक है। और ये अगर आप बात करोगे ना, तो अजंता के कंपैरिजन में काफी आगे का है, मतलब बेसिकली अजंता के कंपैरिजन में बेसिकली बहुत आगे का है, मतलब थर्ड सेंचुरी से लेकर और आठवीं सेंचुरी एडी तक है, ये एडी बहुत आगे नया है, मतलब इट्स क्वाइट कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड टू द एलोरा केव्स। तो व्हेन इट कम्स टू द अजंता केव, तो उसमें तो मौर्याज का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, मतलब बीसी में वो रहे हैं, तो मौर्याज गुप्ताज सबने कंट्रीब्यूट किया है उसमें बेसिकली, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें पीछे बताया, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन के रूप में ये सब आता है, मौर्य काल से अगर आप गुप्त काल की तरफ जा रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम मौर्य काल टू मौर्याज टू गुप्ताज, इसलिए मैंने कहा था कि जितनी हिस्ट्री आपको आएगी उतना आर्ट एंड कल्चर आसान हो जाता है। तो एक तो मौर्याज चले आते हैं, मेजर वंस, एक तो यहाँ पे गुप्ताज चले आते हैं, गुप्ताज के साथ बेसिकली आप लोगों को पता हो, गुप्ताज के साथ हमेशा एक नाम लिया जाता है, ठीक है, वकाटका का, वकाटका डायनेस्टी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये याद है कि नहीं, गुप्ताओं के साथ बाद में इनका विलय हो गया था, वकाटका डायनेस्टी इनका बेसिकली वही क्षेत्र था, मतलब आप कह लो तो मध्य प्रदेश और एमपी का जो कॉमन एरिया होता है, और बीच में और कौन 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 आ सकते हैं, कनिष्क आ सकता है एक मेजर नाम, ठीक है, ये लोग तो विदेशी है। तो प्रिसाइसली स्पीकिंग अजंता केव्स में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, मौर्याज का होगा, गुप्ताज का होगा और वकाटकाज का होगा। वकाटका तुम लोग को याद है कि नहीं, जरा एक बार मेरे को बताना, ठीक है। यस सर, साउथ में, यस सर, साउथ कहने से काम नहीं चलेगा रोशनी, साउथ में कौन सा एरिया, केरला वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया, या रामेश्वरम वाला एरिया, वकाटका वेयर एक्चुअली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो कॉमन एरिया होगा, दैट वाज बेसिकली द वकाटका डायनेस्टी, जिनका विलय बेसिकली गुप्ताओं के साथ हो जाता है, ये वाला क्षेत्र वकाटका वंश था, समझ में आ रही है बात, याद है, ठीक है, ठीक है। तो अजंता में कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, मौर्याज का, गुप्ताज का और वकाटकाज का। लेकिन जब आप एलोरा में आओगे, जब आप एलोरा में आओगे, तो एलोरा में कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब साउथ की डायनेस्टीज का है, क्योंकि एलोरा केव्स का टाइम बेसिकली थर्ड टू नाइन्थ सेंचुरी एडी के बीच में बना है, तो एक तो नया है, एक तो नया है। उसके बाद बेसिकली अगर इस टाइम में आओगे, तो ये जो टाइम है थर्ड सेंचुरी टू आठवीं शताब्दी ईस्वी, एलोरा केव्स में प्रिसाइसली स्पीकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन
सिर्फ दो लोगों का सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक तो जो डकन में थे, ठीक है, बाद में एक कर्नाटक वाले क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में आएंगे, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, एक राष्ट्रकूट वंश, और देन यू हैव दिस बेसिकली यादवाज, कर्नाटक के यादवाज, इन दोनों लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली एलोरा में है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन लोगों का है एलोरा, बहुत ज्यादा क्या, इन्हीं दोनों लोगों ने प्रिसाइसली स्पीकिंग एलोरा केव्स का निर्माण करवाया भी है, ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश एंड देन यू हैव द यादवाज वंश, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड बेसिकली, यादवाज कर्नाटक के थे और राष्ट्रकूट के बारे में आप लोग जानते हो, ऑल राइट, ठीक है, सो दे वेयर द एलोरा। इसमें जो गुफा नंबर 16 है वो बेसिकली देखो एक ही चट्टान से, इसको कहते हैं द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एक चट्टान से काट के बनाई गई ये मंदिर है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। वैदेही ने सब कुछ देखा ही होगा, ठीक है, मतलब ये चीज आप कह रही हो, इमेजिन दिस सिचुएशन, ये कैलाश टेम्पल है, द रॉक कट, एक चट्टान से काट के बनाई गई ये प्रतिमूर्ति, ये प्रतिमा है जो आपके सामने है, मतलब जीवन में अगर एक बार यहां पे नहीं गए तो क्या गए। गुफा नंबर 16 में है, दैट इज बेसिकली योर एलोरा केव, ठीक है, एंड काफी नया है, वही सब बातें बताई गई हैं। बाघ केव पेंटिंग्स बेसिकली एमपी वाला क्षेत्र है, ठीक है, एलोरा केव पेंटिंग्स की भी बेसिकली हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे यू हैव दिस गॉडेस लक्ष्मी, विष्णु, शिवा, ठीक है, बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराओं की तस्वीरें भी बेसिकली बुद्धिज्म से भी संबंध, इस प्रिसाइसली ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये जाना जाता है शैविज्म के लिए, ठीक है, शैविज्म के लिए एक मिक्सचर है यहाँ पे, यू हैव द यादवाज ने जो इस पर काम किया है वो जैनिज्म से, एलोरा बेसिकली मतलब अजंता इज, अजंता का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म है, लेकिन एलोरा केव बेसिकली इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन, ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो नोन एज फॉर द बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, सबके लिए जाना जाता है, और ये तो बेसिकली शैविज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, दैट इज नथिंग बट द रॉक कट, फेमस रॉक कट टेम्पल्स ऑफ द शिवा, ठीक है। बाघ केव पेंटिंग्स, ये बेसिकली एमपी का क्षेत्र है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ मुराल्स के साइट मैंने तुम्हें बता दिए थे, ये सब बेसिकली कुछ साइट मैंने मुराल्स के आपको बताए और उससे संबंधित कुछ बातें बताई, जैसे अजंता एलोरा के बारे में जानना जरूरी होता है कि कौन नया है, कौन पुराना है, कौन कब आया, कौन नहीं आया, किसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, किसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, ये सारी बातें, कौन किस पर डेडिकेटेड है, कौन किसके बारे में बात ही करते हैं, ठीक है, ये सब बातें थोड़ा सा मैंने आप लोग को मुराल्स के बारे में बताया। नाउ मूविंग अहेड, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग, अच्छा ये जो, हाँ ये जो क्या कहते हैं बाघ केव पेंटिंग्स है, ये भी बुद्धिज्म के लिए ही जानी जाती है। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ना तबाह कर देगा तुम लोग के सारे ज्ञान को, कि वो पूछ देगा ना कि बाघ की जो लाइक केव पेंटिंग्स है वो किस धर्म का प्रतिबिंब है, मतलब किस धर्म को प्रदर्शित करती है। रिमेंबर दिस इज एक्चुअली क्वाइट फेमस, बाघ केव पेंटिंग्स को बेसिकली अजंता एलोरा का एक्सटेंशन माना जाता है, तो इज ऑल्सो नोन एज फॉर द बुद्धिज्म। एलोरा बेसिकली थोड़ा सा मतलब उसका मिक्स वाला हिसाब किताब है, जैनिज्म पे भी, बुद्धिज्म पे भी है, शैविज्म की भी बातें करता है। अजंता बेसिकली बुद्धिज्म केंद्रित है ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसका फोकस इंक्लिनेशन जो है बुद्धिज्म पे है, ठीक है। देन यू हैव दिस बेसिकली लेपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। लेपाक्षी टेम्पल के बारे में गाइस एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, दैट लेपाक्षी टेम्पल वाला, मैं फोटो तो दिखा नहीं पाया, इसके बारे में एक प्रश्न मैंने किसी एग्जाम में देखा था कि लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसकी पेंटिंग्स में कोई भी प्राइमरी कलर यूज नहीं किया गया है। अब तुम पूछोगे कि प्राइमरी कलर क्या होता है सर, 9वीं-10वीं के साइंस में हम लोग पढ़ते थे, ये ट्रायंगल बना के सर बताते थे कि एक ट्रायंगल बनाओ, इसके तीनों वर्टाइसिस पे RBC लिखो, RBG लिखो, मतलब रेड ब्लू ग्रीन लिखो, ये तीन प्राइमरी कलर्स हो गए, और जो तीनों साइड्स हैं उस पर उनके कॉम्बिनेशंस लिख दो, ठीक है, M, तीनों कॉम्बिनेशंस इनके यहां पे लिख दो, दैट इज MCY, M इज बेसिकली मैजेंटा, और ध्यान रहे वो लाल और ब्लू के मिश्रण से बनता है, ठीक है, देन C स्टैंड्स फॉर सियान, ब्लू और ग्रीन के मिश्रण से बनने वाला रंग, और देन कहते थे येलो, रेड और बेसिकली ग्रीन के मिश्रण से बनने वाला रंग। तो RBG को सर कहते थे कि ये होता है तुम्हारा प्राइमरी कलर, ठीक है, और MCY दैट इज मैजेंटा, सियान और बेसिकली येलो, इसको कहा जाता था सेकेंडरी कलर। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि लेपाक्षी टेम्पल की एक खासियत है,
और सब अंत में कहते थे कि सारा कलर मिला दोगे तो व्हाइट बन जाएगा, और फिर बहुत फक्र से सर बताते थे कि देखो वो व्हाइट जो बेसिकली हमें कलरलेस कहते हैं, वो व्हाइट विज्ञान के अनुसार सारे रंगों से बना है। वाह वाह वाह, हम भी खुश होते हैं, ओ माय गॉड, गजब बात है, मतलब चमत्कार हो गया ये तो। व्हाइट को तो बेसिकली हम रंगहीन मानते हैं, यहाँ तो विज्ञान अलग ही कहानी कर रहा है। विज्ञान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसमें तो सब कलर है। तो हम भी बहुत मतलब फक्र होता था हमें अपने ज्ञान पे कि वाह हम कितने विद्वान हो रहे हैं, वाह हम कितने ज्ञानी हो रहे हैं। ठीक है कि भाई जिस व्हाइट को हम कलरलेस मानते थे वो व्हाइट सारे रंग अपने कोख में रखे हुए। ठीक है, तो हमें भी बड़ी फीलिंग होती थी वैसी वाली कि अरे वाह 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 वाह। ठीक है, तो लेपाक्षी टेम्पल के बारे में वही बात कही जा रही है कि एक बात मैं कह रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना कि लेपाक्षी टेम्पल में बेसिकली गाइस आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कोई भी प्राइमरी कलर का उपयोग नहीं किया गया है। नो प्राइमरी कलर, मतलब लाल, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा, इन तीनों में से कोई प्राइमरी कलर उसमें यूज ही नहीं किया गया है। एक बात लेपाक्षी टेम्पल के बारे में बहुत फेमस है, और ये कुछ मेजर साइट्स मैंने मुराल पेंटिंग्स की बताई थी। इसके अलावा इस मैप पे तो मुराल पेंटिंग्स की और सारी साइट्स मैंने आपको बता ही दी है। भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला, अजंता महाराष्ट्र, एलोरा हमने देख ही लिया, बादामी केव्स कर्नाटका वाला, बाघ केव्स मैंने मध्य प्रदेश का बता ही दिया, बुद्धिज्म पे आधारित है। देन यू हैव दिस लेपाक्षी टेम्पल यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला, ओरछा मध्य प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण साइट है। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़िए। अब आ जाइए गाइस मिनिएचर पेंटिंग पे, हेडिंग डालो मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग मिनिएचर पेंटिंग पे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो मिनिएचर शब्द सुनते ही ना गाइस, ठीक है, मतलब एक फीलिंग आती है दैट लाइक मिनिएचर मतलब छोटा। ठीक है, मतलब एक फीलिंग आती है दैट मिनिएचर का मतलब होता है बेसिकली छोटा, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिनिएचर बेसिकली छोटा तो डेफिनेट है, दीवारों पे बड़े बड़े भव्य दीवारों पे की जाने वाली कोई पेंटिंग नहीं है। ये एक कागज के टुकड़े पे, एक बेसिकली कैनवस पे, एक पीस ऑफ क्लोथ पे भी होने वाला पेंटिंग है। बिहार का फेमस मधुबनी पेंटिंग्स जो है, ठीक है, दैट इज लाइक एन एब्सोल्यूट एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ठीक है, द मिनिएचर, टिपिकल मिनिएचर पेंटिंग जो कपड़ों पे किया जाता है, बड़ा अमेजिंग होता भी है। पर्सनली आई एम अ बिग फैन, ये इज एक्चुअली नथिंग बट अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइक मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग जो सुन के शब्द लगता है कि भाई ये छोटा ही होगा, इज एक्चुअली ठीक है, छोटा होता जरूर है लेकिन बहुत विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब किसी आइडिया को बड़ी उसकी डिटेलिंग करते हैं, बड़ी डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, तो मिनिएचर बेसिकली अगर बात की जाए तो मिनिएचर जो है ना वो एक लैटिन वर्ड मीनियम से बना है। मीनियम, ये अगर आप लोग नितिन सिंघानिया वगैरह आप लोगों ने कभी खोल खाल के देखा हो तो उसमें ये बात लिखी हुई है। मुझे नहीं पता आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, ठीक है, बट यस जो भी पढ़ते हैं एक बार मुझे पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद कोई भी किताब पढ़ते रहिएगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, मीनियम शब्द से बना है। मीनियम मतलब एक लैटिन शब्द है, इट्स बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब ही बेसिकली होता है लेड पेंट, एक बहुत ब्राइट कलर का गाइस बेसिकली पेंट होता है। ठीक है, लाल कलर का, बहुत ही मतलब, एक सेकंड गाइस, बहुत ही एक बहुत ही बेसिकली मतलब चमकीले रेड कलर का, फ्लोरोसेंट रेड कलर का लेड पेंट होता है। आप ऐसे ही याद रखना, फ्लोरोसेंट रेड पेंट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली दिस मिनिएचर मीनियम। ये जो मीनियम शब्द है ना, ये बेसिकली एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द, ये लैटिन वही भाषा है जो प्राचीन काल के रोमन साम्राज्यों के अंतर्गत बोली जाती थी। आज लैटिन अमेरिका बोलते हो ना, ये लैटिन शब्द का मतलब भी एक लाइन में याद रखना। लैटिन बेसिकली वही भाषा थी जो रोमन वंश, जूलियस सीजर, ऑगस्टस के समय यूरोप वगैरह में बोली जाती थी। ठीक है, तो दैट लैटिन शब्दावली में एक शब्द होता है मीनियम, जिसका मतलब होता है चमकीला लाल रंग, फ्लोरोसेंट रेड कलर। इसी से बेसिकली ये बना है मिनिएचर शब्द। ठीक है, मिनिएचर मीनियम से ही बना है। मतलब मिनिएचर पेंटिंग में एक सबसे खास बात होती है कि बड़े चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता है। आप ये देखो, प्राइमरी कलर्स का उपयोग बहुत ज्यादा इसमें किया जाता है। अब देखो, इसमें आपका रेड दिख ही रहा है, ब्लू दिख ही रहा है, ब्लू दिख ही रहा है, ग्रीन दिख ही रहा है, प्राइमरी कलर्स का, ब्राइट कलर्स का बहुत। दिस इज लाइक वन स्ट्रॉन्ग या फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मुराल्स एंड द मिनिएचर्स। मिनिएचर्स में प्राइमरी कलर का जबरदस्त उपयोग होता है, ब्राइट प्राइमरी कलर्स। मतलब यहां से बेसिकली वो वाली शुरू वाली तस्वीर भी बेसिकली आप लोग को मैं दिखाऊं,
जो ये वाली तस्वीर थी शुरू में, जो मैंने आप लोगों को एक मिनिएचर पेंटिंग की तस्वीर दिखाई थी, यहां भी देखिए आप, ठीक है, यहां भी आप देखो, इसमें मुख्य रूप से आपको ब्राइट ब्राइट कलर्स ही दिख रहे हैं. इवन यू हैव दिस ब्लू कलर्स, यू हैव द रेड कलर्स, यू हैव द ग्रीन कलर्स, मतलब प्राइमरी कलर्स के बिना मिनिएचर्स, प्राइमरी कलर्स के बिना मिनिएचर हो ही नहीं सकता है. प्राइमरी कलर्स के बिना मिनिएचर हो ही नहीं सकता है. तो ये एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होता है मिनिएचर पेंटिंग में और मुराल पेंटिंग में, ठीक है. तो चलिए क्या कहते हैं, षडंगाज वगैरह देखने के बाद, कुछ बेसिक मुराल पेंटिंग्स देखने के बाद, मिनिएचर के एंटर चलते हैं, मिनिएचर के अंदर चलते हैं. मिनिएचर पेंटिंग में जब जाते हो ना, तो मिनिएचर पेंटिंग की खासियत के रूप में मैंने पहले आपको बता दिया, फीचर्स पे जब आप आएंगे, फीचर्स पे, इसके फीचर्स पे आओगे तो क्या क्या बातें लिखोगे आप, ठीक है. सबसे पहले तो वॉल पे नहीं किया जाता है, या कोई स्ट्रांग जबरदस्त सपोर्ट वगैरह की जरूरत हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. यहां पे प्राइमरी कलर्स का उपयोग बहुत जबरदस्त किया जाता है, ब्राइट कलर्स का उपयोग बहुत ज्यादा इस पेंटिंग में होता है, ठीक है. स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मुराल्स, लेकिन काफी डिटेल्ड होता है. डिटेल्ड मतलब किसका, भाव का डिटेलिंग, किसी पर्टिकुलर इमोशन की डिटेलिंग बहुत ज्यादा होती है, जबरदस्त. इसके अलावा और क्या हो सकता है, इट कैन बी डन ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ या ऑन द पीस ऑफ द पेपर. ये सब फीचर्स के रूप में आप लोग पहले तो याद रखिएगा, मिनिएचर पेंटिंग के बारे में जो कुछ बेसिक फीचर्स है वो ये पॉइंट्स आपके याद रहने चाहिए, ठीक है. अब मिनिएचर पेंटिंग में जब गाइस आप एंटर करते हो ना, ठीक है, ये फीचर्स जरा आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, आई एम गिविंग यू 30 seconds. हालांकि ये सारी बातें तो मैंने बोली दी है, ठीक है. वाइब्रेंट कलर्स, यस साक्षी, वाइब्रेंट स्ट्राइकिंग फीचर, यस. रेड पेंट बोला क्या सर ने, यस साक्षी, रेड पेंट ही बोला, ठीक है. अभिषेक जायसवाल, आई लव यू, यस अभिषेक, आई लव यू टू, अभी देखा मैंने तुम्हें. पट चित्र आर्ट, मानसी गुप्ता, यस 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 यस. देवेशी, वो तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, ठीक है. दिस इज बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है. प्री कंडीशंस, इसकी कुछ प्री कंडीशंस भी होती है गाइस, ठीक है. ठीक है, अच्छा, इसमें इसके अलावा भी कुछ विशेष खासियत आपको देखने को मिलता है, जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे इंडियन मिनिएचर पेंटिंग की कुछ खासियत के रूप में देखने को मिलेगा आपको, कि जो मतलब तस्वीरें हैं उसमें नाक बहुत एकदम नुकीला, मतलब एकदम, जैसे मैं क्या बताऊं आपको, कोई मिनिएचर यहाँ पे वैसा है नहीं, नहीं तो मैं दिखाता आपको, ठीक है. अच्छा, उस शुरू वाली तस्वीर में आई गेस वो है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ. नहीं नहीं, इसमें भी नहीं है. किसी इंसान की तस्वीर होती ना, तो मतलब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, दिखाऊंगा. ये फीचर्स बेसिकली मिनिएचर्स में देखने को मिलता है. हाँ, तो यहाँ पे इसके कुछ बेसिक फीचर्स में ऐसी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि नोज अगर इंसानों के बने एकदम नुकीला, ऐसा नाक एकदम, इसे तो बहुत बड़ा हो गया इतना बड़ा नहीं, मतलब नाक बेसिकली जो बनता है ना, इज लाइक एकदम सॉलिड टाइप का नुकीला, ठीक है. अच्छा, नाक नुकीला, आंख जो बनेंगे ना एकदम एकदम लहरों की तरह, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आंख, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम लहरों की तरह, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके की आंख बनाएंगे, एकदम लहरनुमा, एकदम इस प्रकार, ये चीज, ठीक है. नाक बनेगा तो एकदम नुकीला, ठीक है. बॉडी अगर बनेगा तो एकदम स्लिम टाइप्स, ठीक है, जबरदस्त, बहुत स्लेंडर बॉडी. मोटापा का कोई कंसेप्ट मिनिएचर में नहीं होता, मोटापा का कोई कंसेप्ट मिनिएचर में एग्जिस्ट नहीं करता. एकदम स्लिम टेंडर बॉडी, चाहे वो इंसान मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है. उसके बाद बेसिकली, हाँ, ये सब कुछ बेसिक फीचर्स आप लोग लिख सकते हो, मतलब थोड़ा जीवंत, थोड़ा सुंदरता को मतलब बहुत फोकस करते हुए, नुकीले नाक, सुराहीदार गर्दन, समथिंग लाइक दैट. बाल जो है वो बहुत बड़े बड़े टाइप्स, बाल जो है वो बहुत बड़े बड़े लहराते हुए, दिखाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है. ये बेसिकली कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो इंडियन मिनिएचर्स के होते हैं. हंसो मत, बत्तीस ही मत दिखाओ, सही बात बता रहा हूं मैं, लगे सूर्य मुंह फाड़ने सब, ठीक है. ये जीरो फिगर और माइनस फिगर मत करो साक्षी, समझ में आ रही है बात, ठीक है. आंख कम, शंख ज्यादा लग रही है, अच्छा, भारी चित्रकार बनोगे क्या, आंख कम और शंख ज्यादा लग रही है, ठीक है.
तुम्हारी आंख में कोई प्रॉब्लम है, या आंख ही लग रहा है? ठीक है, तो ये कुछ इंडियन मिनिएचर्स की, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स है। ये बात लिख लेना आप लोग, नोट कर लेना, ठीक है, कि भाई वाइल डिपिक्टिंग, जब भाव को डिपिक्ट करने की बात आती है इंडियन मिनिएचर्स में, तो ये बातें देखी जाती हैं, दैट टू मेक द थिंग्स मोर लाइव, ठीक है, जीवंत वाला एलिमेंट, ग्रेसफुलनेस वाले एलिमेंट को इंटैक्ट रखने के लिए इसमें कुछ ऐसी बातों का आप लोग कॉमनली आप देख सकते हैं। वाइब्रेंट कलर्स, प्राइमरी कलर्स का उपयोग, नुकीले नाक, ठीक है, एकदम लहरीदार, लहर वाली आंखें, ठीक है, सुराहीदार गर्दन, लंबे लंबे बिखरे हुए बाल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, राइट दिस थिंग्स, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस व्हाट, दिस मिनिएचर आर्ट, राइट। उसके बाद जब आप मिनिएचर में आओगे ना, तो अर्ली मिनिएचर मतलब इस्लामिक काल के पहले का जो मिनिएचर है उसको बेसिकली डिपिक्ट करते हुए दो लोगों का नाम लिया जाता है, एक तो पाल स्कूल ऑफ आर्ट और एक अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। पाल स्कूल ऑफ आर्ट वही है जो बिहार बंगाल के क्षेत्र में 8वीं-9वीं शताब्दी के दौरान, जो बेसिकली पाल वंश थे, पाल वंश जिसके संस्थापक गोपाल थे, देन दिस बी यू हैव जिन लोगों ने बेसिकली ओदंतपुरी से लेके और आपका वहां पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय वगैरह की स्थापना की थी भागलपुर वाले क्षेत्र में, दैट वाज गोपाल डायनेस्टी। समझ में आ रही बात, गोपाल डायनेस्टी 8वीं-9वीं शताब्दी, वो जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का टाइम आता है ना, तीन वंशों की बात पढ़ते हैं, बिहार बंगाल में गोपाल और गुजरात वाले क्षेत्र में प्रतिहार, साउथ वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट। सो ये 9वीं-10वीं शताब्दी की ही तो बातें हैं, ठीक है, 8th to 9th century। तो उसी में पाल स्कूल, एक कला का क्षेत्र पाल कला, वो बेसिकली अर्ली मिनिएचर के लिए जाना जाता है, और उसमें भी ठीक है वज्रयान स्कूल। बुद्धिज्म बेसिकली जब टूटना शुरू हुआ था तो तीन भागों में टूटा था, महायान, हीनयान और एक जादू टोना वाले वज्रयान। वज्रयान वाले लोग ना ये नॉर्थ ईस्ट और बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में बड़े विकसित हुए थे, मिनिएचर पेंटिंग को बेसिकली प्रमोट करने का शुरुआती दिनों में, शुरुआती दिन बोले तो बेसिकली वही 7वीं-8वीं-9वीं शताब्दी। इसका श्रेय बेसिकली वज्रयान स्कूल के ही जाता है, जिसमें दो महान बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात की जाती है, वन इज धीमन, अदर इज वित्तपाल। और पाल स्कूल ऑफ जो आर्ट है वो बेसिकली अर्ली मिनिएचर के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अपभ्रंश स्कूल है, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है, मतलब गुजरात राजस्थान का मेवाड़ वाला क्षेत्र। आगे चल के 10वीं-11वीं शताब्दी जैन पेंटिंग्स को डिकेट करता हुआ बेसिकली अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट को जाना जाता है। ये दो स्कूल ऑफ आर्ट अर्ली मिनिएचर के लिए जाने जाते हैं, मतलब 8वीं-9वीं-10वीं-11वीं शताब्दी। उसके बाद मिनिएचर कला सबसे ज्यादा प्रमुखता से फेमस होती है मुगलकालीन दौर में, मुगलकालीन दौर में। तो अब कहानी रहने दो, क्लास काफी आगे जा चुका है टाइम, ठीक है। अर्ली मिनिएचर तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया, मिनिएचर इसके बाद मुगल्स में फेमस होता है। तो कल जो हमारी पेंटिंग्स पे क्लास होगी वो बेसिकली अंतिम क्लास होगी, और पेंटिंग कल हम फिनिश कर देंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो बी देयर टुमारो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छे से प्रॉपरली एक आर्ट एंड कल्चर की कॉपी होनी चाहिए, मैं अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही रहा हूँ। आप लोगों को इसमें और कोई सुधार की जरूरत हो तो जरूर बताना, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ फीडबैक हो तो कमेंट जरूर देना, कोई सुधार चाहिए तो टेलीग्राम पे बताना, और कुछ इच्छा हो तो ये भी बताना। सब्सक्रिप्शन की बात इतनी है कि अगर सब्सक्रिप्शन अनलॉक 2.0 तो अभी खत्म है, बट यस फिर भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, ठीक है, तो कीजिए, आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी। प्लस आइकॉनिक के बारे में आप जानते हो, आइकॉनिक में बेसिकली आपको एक पर्सनलाइज मेंटर और आपको आंसर राइटिंग पर मदद मिल जाती है, बाकी दोनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। कोड का नियम यह है कि कोड जिसका आप यूज करते हो वो आपका मेंटर बनता है, जो आपका मेंटर बनता है तो मैं आपका मेंटर बनूंगा इफ यू आर यूजिंग माई कोड। अगर प्राइस की बात की जाए तो अगर मैं आइकॉनिक का आपको बताता हूँ, ठीक है, जीएस का बताता हूँ कॉम्बो का, तो 3,899 रुपये 12 महीने का। यहाँ पे देखिए 5,587, यहाँ पे ज्यादा इसलिए है बिकॉज आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, आपको आंसर राइटिंग पे हेल्प मिलती है। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन नियरली एट द प्राइस ऑफ 2,063 रुपीज पर मंथ, ईएमआई आप ले सकते हो, ठीक है। इससे संबंधित कोई मदद चाहिए लोन वगैरह पे, क्योंकि लोन वगैरह एकदम इंटरेस्ट फ्री है, कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं लगना और ना ही आपको बैंक में जाना है, फील फ्री टू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, या तो आप ऐप से डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन अगर आपको सब कुछ पता है तो ले सकते हो, अदरवाइज आप वो मेरा कोड यूज करके, अगर आपको मेरी मेंटरिंग चाहिए तो, नहीं तो अगर ईएमआई वगैरह चाहिए तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मुझे मेल करो, मुझे मैसेज करो, ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। जो 2022 देना चाहते हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अमेजिंग है, द कंटेंट इज सुपर्ब, ठीक है। जीएस और सीसेट का टेस्ट सीरीज इज द हाई टाइम,
कि आप लोग टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो, जो 2022 में तैयारी शुरू करने जा रहे, जो 2022 के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो, ठीक है। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। और जिनको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये कॉम्बैट वगैरह तो भूले ही मत, कॉम्बैट वगैरह तो भूले ही मत। सब लोग दो, अपने आप को रियल टाइम में इवेल्युएट सबको करना है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू स्कॉलरशिप, वो तो ये लोग भूले ही नहीं। समझ में आ रही है बात? सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे स्पेशल क्लास में मिलते हैं। स्पेशल क्लास भूलना नहीं है, 10 PM का स्लॉट वो बुक होना ही चाहिए हफ्ते में 4 से 5 दिन, ठीक है। सो 10 बजे मिलते हैं वहां पे गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू 10 PM ऑन द SCL। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।